गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आयुष काढ़ा की रेसिपी, जो कि एक इम्यून बूस्टर है और आपको कोरोना से बचने में भी हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है। इस काढ़े को बनाने के लिए हमने यहाँ पर चार चीज़ें ले ली हैं, काली मिर्च, दालचीनी, सौंठ और साथ में हमने लिया तुलसी। ये वो तुलसी है जो हम घर में उगाते हैं गमले में। अगर आपके पास ये तुलसी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक तुलसी के नाम से आपको ड्राई ऑर्गेनिक पाउडर मिल जाएगा, वो आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप इसे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को पीस लेंगे। और ये मैंने कितनी कितनी सामग्री ली है और इसे किस तरह से पीना है वो मैंने वीडियो में आगे शेयर किया है, आप देखिएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको लास्ट में पता चल जाएगा कि कौन सा इन्ग्रीडियंट कितना लेना है और इसे दिन में कितनी बार पीना है। तो इसे हम आयुष काढ़ा के नाम से भी जानते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने बनाया है, स्पेशली इसीलिए ही बनाया है ताकि कोरोना से बचा जा सके और हमें कोरोना की बीमारी ना लगे, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाए इसे पीने से। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को एक एक करके पीस लेंगे। अब एक एक करके हम सारी सामग्री इस बाउल में डालकर मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे तुलसी पाउडर, ये ड्राई तुलसी पाउडर है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब इसके बाद हम डालेंगे सूखी हुई अदरक यानी कि सौंठ का पाउडर और साथ में हम डालेंगे दालचीनी और काली मिर्च पाउडर। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इस पाउडर को हम किसी एयरटाइट कंटेनर में ही प्रिजर्व करके रखेंगे, आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो चलिए इसका काढ़ा कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए इस पैन में हम सबसे पहले डालेंगे एक छोटा कप पानी। आपको जितना काढ़ा बनाना है आप उतने कप पानी डालिए। अब इस एक कप पानी में हम डालेंगे थोड़ा सा पाउडर जो हमने काढ़े के लिए बनाया था। देखिए हम इसमें डालेंगे लगभग एक चम्मच का, जो छोटा वाला चम्मच होता है उसका एक चौथाई पाउडर। ये एक कप काढ़े के लिए है, आप जितना बनाएंगे उस हिसाब से आप डाल लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे। क्योंकि हम इसे ढक क्यों रहे हैं, ताकि जितने भी मसाले हैं उनका असर इस काढ़े में ही रहे, भाप के साथ उड़े नहीं। और इसे उबलने के बाद हम इसमें और क्या डाल सकते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो चलिए इसे उबलने का वेट कर लेंगे, चेक करेंगे अब इसे, इसमें उबाल आ गया होगा। तो देखिए ये उबल चुका है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा गुड़। गुड़ जो होता है वो भी हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए अच्छा होता है और हमारे इम्यून सिस्टम के लिए भी अच्छा होता है। पर आपको ध्यान रखना, आप चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि चीनी डालते ही इस काढ़े का असर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम इसे एक उबाल दिला लेंगे ताकि गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें एक उबाल आने के बाद गैस हम कर देंगे बंद और इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। आपको इसमें 6-7 बूंद नींबू का रस डालना है। आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं और जैगरी भी आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं, पर ये इसका टेस्ट थोड़ा बढ़ा देंगे और आपको ये काढ़ा पीने में भी मज़ेदार लगेगा। तो चलिए अब इसे सर्व करते हैं। अब हम इस ग्लास में इसे छान लेंगे। तो रेडी है हमारा आयुष काढ़ा बनकर हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। ये आपको कोरोना से बिल्कुल बचाएगा, आप इसे दिन में 3 बार लीजिए। और ये साथ ही साथ आपको सारे फ्लू वायरसेस, जो भी ये छोटे मोटे खांसी जुकाम बुखार होता रहता है, उससे भी बचाएगा। इसे बच्चे बड़े बूढ़े हर कोई ले सकता है, इसमें ऐसा कोई एज बार नहीं है। तो आप इस काढ़े को ज़रूर लीजिए और कोरोना से बचिए। और जितने भी आपके फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, परिवार वाले जो भी हैं, जिन्हें भी आप जानते हैं, आपके लिंक में जो भी हैं, उन्हें ये रेसिपी शेयर कीजिए ताकि हर कोई कोरोना से बच सके। तो इसमें जो सामग्री मैंने यूज़ की है वो कुछ इस तरह से है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन सा इंग्रेडिएंट मैंने कितना कितना डाला है और ये दिन में कितनी बार पीना है वो भी मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। तो गाइज आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हर किसी की जान बहुत ही कीमती है, हो सकता है हमारा एक शेयर किसी की जान बचा ले। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।